आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। बरेली के आंवला के रहने वाले एक प्रेमी युगल ने प्रेम विवाह किया है। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसलिए लड़की के परिजन इस शादी से खुश नहीं हैं। शादी के एक साल बाद भी दंपति को अपनी जान का खतरा है। शादी के बाद लड़की ने अपना नाम बदलकर नंदिनी रख लिया है। अभी कुछ दिन पहले उनके यहाँ बच्चे का भी जन्म हुआ है और अब दोनों ने वीडियो वायरल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वीडियो में लड़की का कहना है कि वो अपने ससुराल में खुश है, लेकिन उसकी माँ और भाई उसके जान के दुश्मन बने हुए हैं। शासन प्रशासन से प्रार्थना की है कि उनकी रक्षा करें। वीडियो में पंकज ने कहा है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, अगर उनको या घर वालों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इस मामले में एसपी क्राइम रमेश कुमार भारतीय का कहना है कि पति पत्नी मिले थे, हमने उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। संबंधित थाने के एसओ को सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। मैंने पिछले वर्ष 2019 में अपने ही गाँव की दूसरे समुदाय की लड़की से शादी करी थी। उससे वो लोग बहुत खिसियाए हुए हैं, नाराज़ हैं और वो हमें आए दिन धमकी देते हैं, घर वालों के साथ मारपीट भी करते हैं और उसकी शिकायत हम दो बार कर चुके हैं, लेकिन हमारे उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमें सुरक्षा मिली है। इसलिए हम आज फिर जा रहे हैं एसएसपी साहब के ऑफिस, एक बार और विनती करेंगे कि हमें सुरक्षा दें। और हमारे पत्नी के घर वाले धमकाते हैं, भाई, माँ, उनके चाचा वगैरह वगैरह सब ये धमकियाँ देते हैं कि अगर वो कभी दिखे गांव में तो उन तीनों को, मेरा बच्चा हुआ है अभी 20 तारीख को इसी महीने में, तो उसे भी जान से मारने की धमकी देते हैं। और पापा हमारे बाहर सर्विस करते हैं भैजोई में, जिला संभल में, तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी देते हैं। हाँ, एक लड़की आज यहाँ कार्यालय में उपस्थित हुई थी और उसने कहा कि उसके भाइयों ने उसे धमकाया है और उसने आर्य समाज विधि से शादी कर रखी है। प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष भी गया था जिसमें उसको माननीय न्यायालय द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं। संबंधित प्रभारी निरीक्षक को सतर्क दृष्टि रखने के लिए और प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।